हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं। आज आप देखेंगे मेंसुरेशन का त्रिभुज तथा चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा परिसीमा से संबंधित समस्याएं, जिसमें हल करें 15.3 का 18 का थर्ड नंबर सवाल देखेंगे। थर्ड नंबर में है, एक रोम्बस की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रोम्बस आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप जानते हैं कि रोम्बस क्या होता है, जिनकी चारों भुजाएं समान हो परंतु कोई भी कोण समकोण ना हो, ठीक है। ए बी सी डी, यही रोम्बस है। इसका ऊंचाई, रोम्बस का ऊंचाई दे दिया है, यहाँ से मान लिया इसमें लंब डाल देते हैं, तो ये इसका ऊंचाई होता है, हाइट। तो हाइट कितना है? 14 सेंटीमीटर हाइट है इसका, ठीक है। और इसका भुजा की लंबाई कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सारा भुजा है, ए डी, यहाँ पे सी डी भी 5 सेंटीमीटर है। रोम्बस का आधार 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर। इसलिए देखिए, रोम्बस एक तरह का समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए रोम्बस का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई बैठा सकते हैं, रोम्बस का क्षेत्रफल बैठा सकते हैं इसका, आधार 14 और ऊंचाई 5, 70 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कहा क्या कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 70 वर्ग सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो गया। अब आपके बीच एक दूसरा क्वेश्चन आया है, 18 का 4 नंबर का सवाल। अब ये 18 का 4 नंबर का सवाल देखिए, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि किसी समद्विबाहु ट्रेपीजियम में समानांतर भुजाओं में से किसी एक का संलग्न कोण 45 डिग्री है। तो ट्रेपीजियम की त्रियक भुजा की लंबाई अगर 62 सेंटीमीटर हो तो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? इसको फिगर बनाने से ही समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले तो एक ट्रेपीजियम बनाते हैं, जिसका कि ये दोनों भुजा क्या है? समानांतर है, ठीक है, ए बी सी डी। अब यहाँ पे देखिए, ट्रेपीजियम का समानांतर भुजाओं में से किसी एक का संलग्न कोण, अब मान लिया जाए कि ये संलग्न कोण है, ये 45 ले लिया। अच्छा, ट्रेपीजियम की त्रियक भुजा की लंबाई 72 सेंटीमीटर है, समद्विबाहु ट्रेपीजियम है तो ये भी 72 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 72 सेंटीमीटर होगा, और किसी एक का कहता संलग्न कोण कितना है? तो 45 डिग्री। यहाँ से लंब डाल देते हैं इसमें, मान लिया जाए कि ये ई लंब डाल दिए हैं, ये 45 डिग्री है। अब देखिए, त्रिभुज ए बी ई को अगर लेते हैं तो ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री होगा। तो अब बताइए कि इसके आमने सामने वाली भुजा, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये जब दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो इसका हाइट निकल के आ जाएगा, और यही कह रहा है कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए, ट्रेपीजियम ए बी सी डी में, ट्रेपीजियम ए बी सी डी में त्रियक भुजा ए बी और डी सी, ए बी बराबर डी सी, दोनों बराबर होगा क्योंकि समद्विबाहु ट्रेपीजियम है, 62 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल ए बी ई बराबर 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ए ई लंब डाल दिए हैं किसके ऊपर? तो बी सी पर, इसलिए एंगल ए ई बी बराबर हो जाएगा कितना? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया और संलग्न कोण 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आप बताइए कि एंगल ई ए बी कितना होगा? अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए
इसलिए एंगल बी ए ई बराबर 180 माइनस 90 या प्लस 45 बराबर 180 माइनस, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 4 13 135। अब इसको घटाएंगे तो आएगा 45 डिग्री, तो ऑटोमेटिक ये हो गया 45 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो एंगल जब बराबर हो गया तो ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिखेंगे अब त्रिभुज बी ए ई एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। अतः अब जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया तो अब देखिए यहाँ पे कि ए ई भुजा और बी ई भुजा दोनों बराबर होगा, ठीक है, तो इसलिए ए ई बराबर बी ई, अतः ए ई बराबर ए ई बराबर बी ई, ठीक है। तो जब हमको ए ई निकालना है तो जहाँ बी ई आएगा वहाँ पे ए ई हम लिख सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे अगर आप फिगर में देख सकते हैं इस तरह का है कंडीशन, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ई है, ठीक है, ए ई बराबर है बी ई, ए 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है। तो अब समकोण त्रिभुज ए बी ई में आप देखें, ए बी ई में, ठीक है, ए ई का होल स्क्वायर प्लस बी ई का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर, और ये कितना है 62 सेंटीमीटर। अब इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ए ई हमको रखना है, तो ए ई का होल स्क्वायर अब प्लस बी के जगह पे भी अगर हम ए ई का होल स्क्वायर कर लें, ठीक है, तो बराबर ए बी के जगह पे 62 का होल स्क्वायर कर लेंगे, या अब इसमें देखते जाएं कि 2 ए ई का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो 2 ए का होल स्क्वायर बराबर 62 का होल स्क्वायर, यानी 62 × 62 और ए का होल स्क्वायर बराबर 62 × 62 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम काटते हैं तो आता है 31, ठीक है, और ए ई का होल स्क्वायर बराबर, इसको अगर तोड़ें तो 31 × 31 इसके साथ आएगा इंटू 2। देखिए यहाँ पे ये 31 है, इसमें 31 × 2 आएगा, ठीक ना, ये 31 को पहले कर लिए हैं। अब इसका हम अगर वर्गमूल निकालते हैं और ए ई जब निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा 31 × 2 और ए ई बराबर 31 बाहर निकालेंगे तो रूट 2 अंदर रह जाएगा, अतः समानांतर, अतः ट्रेपीजियम की, अब यहाँ पे पढ़ें क्या लिखा है कि ट्रेपीजियम के समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी ए ई है और ए ई बराबर हम निकाल लिए, अतः ट्रेपीजियम की समानांतर भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर कितना निकल के आया, 31 √2 सेंटीमीटर
और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। अब देखिए 18 का 5 नंबर का सवाल, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज में ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, कोण ए बी सी 30 डिग्री हो तो ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, एक समांतर चतुर्भुज तो है, अब इसमें क्या क्या दिया है वो भी देख लीजिए। ए बी, अगर हम ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बनाए तो ए बी 4 सेंटीमीटर है तो इसको 4 सेंटीमीटर लिख दिए हैं, बी सी 6 सेंटीमीटर है लिख दिए हैं, और एंगल ए बी सी ये वाला 30 डिग्री, तो ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हाइट नहीं है, अगर हाइट मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हाइट के लिए क्या करते हैं, यहाँ से इस पर लंब खींचते हैं, तो चलिए ए ही लंब खींच दिए, ठीक है। चित्रानुसार समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में आधार बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए लंब बी सी पर, एंगल ए बी ई बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज ए बी ई में आप देखिए समकोण त्रिभुज, अच्छा यहाँ पे देखिए ए बी बराबर जो इसका संलग्न भुजा है, ठीक है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज ए बी ई में, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी ई में अगर ये कर्ण मानते हैं और ये लंब मानते हैं और ये आधार मानते हैं, तो यहाँ पे देखिए आधार नहीं है, अगर आधार रहता तो हम इसका हाइट निकाल सकते थे, तो जब आधार नहीं है तो समकोण त्रिभुज ए बी ई में एंगल ए बी ई बराबर है 30 डिग्री, और ये जो है ये ए बी कर्ण है, ए बी बराबर कर्ण है और बराबर इसका 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये लंब का काम करेगा, ए ई बराबर लंब बराबर वाट। अच्छा, लंब निकालने के लिए आपको यहाँ पे साइन एंगल ए बी ई बैठाना है, साइन एंगल ए बी ई बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बैठा लेंगे, ठीक है, तो लंब निकल के आ जाएगा इसमें, साइन 30 डिग्री बराबर लंब के जगह पे बताइए यहाँ पर क्या है ए, और कर्ण के जगह पे 4 है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है साइन में, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बटे 4। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2AE बराबर 4, ए बराबर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 2, यहाँ पर ए का मान 2 आया है, ए का मान 2 आया है, यानी इसका हाइट कितना आ गया है, इसका h जो है 2 आया है, तो यहाँ निकालने के लिए क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब इसमें क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो बेस इनटू हाइट होगा, इसलिए समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर और बेस इसका 6 सेंटीमीटर, आधार बराबर 6 सेंटीमीटर, इसलिए
समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर बेस इंटू हाइट यानी आधार गुना ऊंचाई। आधार यहाँ पे 6 बैठाएंगे और ऊंचाई आपका 2 सेंटीमीटर आ गया, आएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और यही इसका आंसर है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।